बात एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे पैसे की तंगी के वजह से किडनी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्क्वैश खिलाड़ी देश के लिए कई मेडल जीत चुका है, लेकिन अब उसकी ट्रेनिंग का खर्चा उठाने के लिए कोई नहीं है, जिसके वजह से उसने ये फैसला किया। हालांकि बाद में उसने ये कहते हुए माफी मांग ली कि यह फैसला उसने भावनाओं में बह कर लिया था। मेरा नाम रवि दीक्षित है। स्पॉन्सर्स ना मिलने के कारण मैं किडनी को बेच रहा हूँ। भारत के लिए और खेलना चाहता हूँ और मेडल्स लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है खेलने के लिए। किडनी बेचने के लिए मजबूर एक खिलाड़ी। मेरा नाम रवि दीक्षित है और स्पॉन्सर्स ना मिलने के कारण मैं अपने किडनी को बेच रहा हूँ। देश के लिए कई मेडल जीता, अब पैसे के लिए मोहताज। मैं भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स ला चुका हूँ और मैं भारत के लिए और खेलना चाहता हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है खेलने के लिए। कोई हो तो मददगार जो सुन ले मेरी पुकार। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई स्पॉन्सर्स करे जिससे मैं और भारत के लिए खेल सकूँ और मेडल्स ला सकूँ। स्क्वैश प्लेयर रवि दीक्षित का यही वो वीडियो है जिसके कारण विवाद इतना बढ़ गया कि उन्हें स्क्वैश फेडरेशन के सामने माफी तक मांगनी पड़ गई। हम आपको पूरा विवाद बताएं, उससे पहले देखिए आखिर ये मामला क्या था। दरअसल 23 साल के स्क्वैश प्लेयर रवि दीक्षित ने रविवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वो कहते सुने गए कि उन्हें कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, लिहाजा वो अपनी एक किडनी बेच रहे हैं ताकि वो अपने खेल का खर्च उठा सके। आप भी एक बार ये पूरा वीडियो देखिए। हाय, मेरा नाम रवि दीक्षित है और स्पॉन्सर्स ना मिलने के कारण मैं अपने किडनी को बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स ला चुका हूँ और मैं भारत के लिए और खेलना चाहता हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं खेलने के लिए, जिसके कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई स्पॉन्सर्स करे जिससे मैं और भारत के लिए खेल सकूं और मेडल्स ला सकूं। बस यही मेरी दुआ है। रवि का ये वीडियो सामने आते ही स्क्वैश फेडरेशन में हलचल मच गई। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी। इसके बाद रवि ने पहले तो फेसबुक से वो वीडियो हटाया, फिर अपनी फैमिली और फेडरेशन से माफी मांगते हुए ट्विटर पर एक मैसेज किया। मैसेज में रवि ने लिखा, फेसबुक पर मेरा वो बयान झटके में आया, एक ख्याल था, मैंने कभी भी अपनी किडनी बेचने की नहीं सोची, मैं बहुत उदास था इसीलिए मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया। मुझे एहसास है कि वो सही कदम नहीं था, मैं अपने स्पॉन्सर की तलाश जारी रखूंगा। दरअसल रवि दीक्षित अगले महीने शुरू होने जा रहे साउथ एशियन गेम्स के 4 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से खराब फॉर्म में होने के कारण उन्हें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। यही वजह है कि परेशान होकर उन्होंने ये वीडियो पोस्ट कर दिया। रवि की किडनी बेचे जाने की खबर से उनके माता पिता काफी दुखी हुए। हमारे बेटे के पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए हम लोग तो कुछ मदद कर नहीं सकते हैं और उसको पैसे की ज़रूरत है खेलने के लिए, तो वहाँ पे इसलिए उसने अपनी किडनी बेचने का फैसला लिया है, जिसको सुनकर मुझे बहुत दुख है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे बेटे को खेलने में सहयोग दे, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जॉब छूट गया है, इसलिए हम उसको बच्चे रवि दीक्षित को पढ़ा लिखा दिया अपने बच्चे को, मगर अब हमसे हमारी तबीयत खराब रहती है, इसलिए हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि हम उसके लिए कुछ मदद कर सकें। मीडिया में मामला बढ़ने पर रवि ने वीडियो हटा लिया और सभी से माफी भी मांग ली, लेकिन सवाल ये उठता है कि रवि ने ये माफीनामा अपनी मर्जी से जारी किया या फिर किसी दबाव में आकर, क्योंकि ट्विटर पर माफी मांगने के थोड़ी ही देर बाद रवि ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने किडनी के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर की तलाश भी कर ली थी। अगर ऐसा है तो फिर किडनी बेचने का फैसला एक झटके का नहीं हो सकता। जाहिर है फेसबुक पर रवि के वीडियो में जो मजबूरी दिख रही थी उसका ट्विटर पर जारी माफीनामे से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो उस सरकारी तंत्र से जिनका खिलाड़ियों का भविष्य तय करने में बड़ा हाथ होता है।